रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने के मामले पर आज सुनवाई होगी। वाड्रा ने विदेश जाने की परमिशन देने के लिए अर्जी दी है और राउत एवेन्यू कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने विदेश जाने पर रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर रोक लगाई है, जिसको लेकर आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने यहां पर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी और अब इसको लेकर सुनवाई होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में। रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने के मामले पर सुनवाई होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने विदेश जाने की अनुमति मांगी है कोर्ट से। वहीं अब इस मामले में देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिलती है या नहीं। सुचित्रा मुखर्जी हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुचित्रा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये मामला जो है रॉबर्ट वाड्रा ने विदेश जाने की यहाँ पर अनुमति मांगी थी और इस मामले में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले अगर बात करें तो अगर निचली अदालत की बात करें तो निचली अदालत ने इनको जमानत दे दी थी, लेकिन विदेश जाने के लिए जो है देश से बाहर जाना होगा, इसके लिए अनुमति देनी होती है। तो उसी के तहत रॉबर्ट वाड्रा ने राउत एवेन्यू कोर्ट में अनुमति मांगी हुई थी। अब आज ये देखना होगा कि कोर्ट रॉबर्ट वाड्रा को अनुमति देती है विदेश जाने की नहीं, क्योंकि एक बात ये भी है मोनिका की, इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी ने अपील की थी और ये कहा था कि जो अग्रिम जमानत दी गई है रॉबर्ट वाड्रा को वो खारिज कर दिया जाए, क्योंकि गवाहों के साथ सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं ये और जो पूछताछ है उसमें सहयोग नहीं कर रहे रावत वाड्रा। इसको लेकर काफी नाराजगी ईडी ने जताई थी दिल्ली हाईकोर्ट में और दिल्ली हाईकोर्ट ने रावत वाड्रा को नोटिस भी जारी किया था और इसलिए अब रावत वाड्रा इस ट्रायल कोर्ट में गए हैं, यानी कि नया रेवेन्यू कोर्ट में गए हैं, जाने की अनुमति मांगी है। तो अब ये देखना होगा कि ट्रायल कोर्ट क्या अनुमति देती है या फिर नहीं। मोनिका, बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल है और देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। सुचित्रा, और दिलचस्प होगा देखना कि रॉबर्ट वाड्रा को अनुमति मिलती है या नहीं कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिलचस्प होगा ये देखना कि अनुमति मिलती है कि नहीं, क्योंकि तमाम चीजों को देखा गया था और ईडी ने भी ये दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट ने जब जमानत दी है अग्रिम जमानत तो जो तमाम तथ्यों को है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया और यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा को अनुमति दी गई है, जो कि सुनवाई में सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचित्रा तमाम जानकारी के।